द क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो ऑफ एक्स टू द पावर में टू एन प्लस पी के पावर में एन एक्स टू द पावर में एन प्लस क्यू के पावर एन इक्वल टू जीरो, मतलब इसका भी रूट्स है अल्फा बीटा, एंड इफ अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा आर द रूट्स ऑफ एक्स टू द पावर में एन प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन के पावर में होल पावर में एन इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट एन मस्ट बी एन इवन इंटीजर। अब देखो अल्फा बीटा ये दोनों इक्वेशन का रूट है, तो यहाँ पे देखो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, इसका रूट क्या क्या है, इसका रूट है अल्फा और बीटा, तो जब अल्फा बीटा इसका रूट है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस पी होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है तो क्यू हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन क्या है एक्स टू दी पावर में टू एन प्लस पी के पावर में एन एक्स के पावर में एन प्लस क्यू के पावर में एन इक्वल टू जीरो, है ना, तो इसका भी रूट है अल्फा बीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या एक्स टू दी पावर में एन का स्क्वायर प्लस पी के पावर में एन और एक्स के पावर में एन प्लस क्यू के पावर में एन इक्वल टू जीरो। तो जब अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो एक्स टू दी पावर में एन है, यहाँ पे एक्स टू दी पावर में एन में क्वाड्रेटिक है, जब एक्स टू दी पावर में एन में क्वाड्रेटिक है तो अल्फा के पावर में एन बीटा के पावर में एन में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये मतलब इसका रूट क्या बोल सकते हैं, अब ये जो क्वाड्रेटिक बना है इस क्वाड्रेटिक का रूट हो जाएगा एक्स टू दी पावर अल्फा टू दी पावर में एन और बीटा टू दी पावर में एन, इस क्वाड्रेटिक का रूट हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा टू दी पावर में एन प्लस बीटा टू दी पावर में एन का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी बाई ए मतलब माइनस पी के पावर में एन और अल्फा एन इंटू बीटा एन इसका वैल्यू आ जाएगा क्यू के पावर में एन, होगा इतना। तो अब देखो अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, कौन सा इक्वेशन है एक्स टू दी पावर में एन प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन का होल पावर में एन इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का रूट है, कौन सा क्या रूट है अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा, तो कोई भी एक ले लो, जैसे हम ले लिए अल्फा बाई बीटा इसका सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा एन बाई बीटा एन प्लस वन प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस वन का पावर में एन इक्वल टू जीरो, ठीक है इतना होगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर में एन बाई बीटा के पावर में एन प्लस यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल पावर में एन डिवाइडेड बाई बीटा के पावर में एन, ठीक है ना, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो बीटा पावर एन ना होगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या इसको बना सकते हैं अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन, ठीक है प्लस, और यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा के पावर में होल पावर में एन और डिवाइड में बी के पावर एन एलसीएम लेंगे और राइट साइड भेज देंगे जीरो हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्फा के पावर एन प्लस बीटा का पावर एन ये कितना आया था, ये था माइनस ऑफ पी के पावर में एन, ठीक प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू है माइनस पी, तो यहाँ लिख देंगे माइनस पी के पावर में एन, देखो जीरो आना चाहिए तो जीरो कब आएगा, ये तो माइनस ऑफ पी के पावर एन है, माइनस तो बाहर है तो माइनस बाहर से यहाँ पे प्लस पी के पावर एन होना चाहिए, तब ना माइनस पी के पावर एन प्लस पी के पावर में एन होगा तभी तो जीरो होगा, ये कब होगा, ये तभी हो पाएगा जब एन जो होगा वो इवन इंटीजर होगा, यही एक श्योर है, अगर एन का वैल्यू ऑड होता तो यहाँ माइनस हो जाता तो माइनस पी के पावर में माइनस पी का पावर एन जीरो नहीं होता, तो ये माइनस पी का होल पावर में एन जो है वो यहाँ लिख देते हैं माइनस पी के पावर होल पावर एन जो है वो पी के पावर एन होना चाहिए, ये तभी होगा जब एन होगा इवन इंटीजर, तो यही प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था कि एन मस्ट बी एन इवन इंटीजर, प्रूफ करना था, हो गया ओके।